आसाम का सैलाब हर साल लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है। इस बार भी आसाम में सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रियासत के 27 अजला में 6.6 लाख से ज्यादा लोग मानसून से कबल होने वाली बारिशों की वजह से सैलाब की जद में हैं। इस दौरान 9 अफराद की मौत भी वाकई हुई है। रियासत के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों को 248 रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। होजाई और कछार सबसे ज्यादा मुतासर अजला है और इनमें से हर जिले में 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए। फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत होजाई जिले में फंसे हुए 2000 से ज्यादा अफराद को महफूज निकाल लिया है। जनूबी आसाम का दीमा हसाऊ जिला सड़कें बह जाने की वजह से आज 5वें रोज भी मुतासिर रहा। बारिश की वजह से होने वाली लैंडस्लाइडिंग्स ने दीमा हाउसवा से सड़क और रेल राबता मुनक़ता कर दिया है। इसकी वजह से इतवार से वादी ब्लॉक के साथ त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के अहम इलाकों के लिए सड़क और रेल राबता भी मुनक़ता हो गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से शुमाल मशरिक रियासतों आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही। गुवाहाटी में महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर बारिश की वार्निंग जारी की है।